जनपद महोबा के ग्राम पसवारा जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 10 ग्राम इसी मार्ग से जुड़े पसवारा काफी बड़ा गांव है, परंतु जैसे ही जिला मुख्यालय से आगे बढ़े तो 2 किलोमीटर सड़क वर्षों से इतनी खराब है कि कोई वाहन नहीं निकल पाता। इसका मेन कारण मध्य प्रदेश से लगा होने के कारण यहाँ से अवैध बालू की निकासी, मध्य प्रदेश से बालू लाकर उत्तर प्रदेश में महंगे दामों में बिक्री और जिला प्रशासन हमेशा की तरह मौन व्रत। अब सड़क की हालत इतनी बदतर की आवागमन भी पूर्ण रूप से ठप, सड़क न बनने से जनता में आक्रोश पनप रहा है और समस्त ग्रामवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वही जनसंख्या ज्यादा होने के कारण किसी भी प्रत्याशी का समीकरण बिगड़ सकता है। असमंजस में नेता अधिकारियों का, क्या आप भी नहीं तो कोई और सही। वोटिंग बंद कराना है, धंधा तो ही किनारे कर बगल दिया सही है। इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड महोबा। जनपद गोंडा में लोकसभा गौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बंसुखपुर में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जुमलेबाजों की पार्टी है बीजेपी, इनके सांसदों द्वारा जनता को गुमराह करके कोई विकास कार्य 5 साल से नहीं किया गया। वहीं मोदी द्वारा कहा गया था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए भेजूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी धनराशि किसी को प्राप्त नहीं हुई। गरीब जनता पेंशन के लिए भटक रही तथा इनके समाज कल्याण मंत्री कह रहे हैं अभी जो जांच प्रक्रिया में है, कभी बताते हैं कि ऑनलाइन में कोई कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि अरे कब तक ठगोगे जनता को, अब आपकी बातों में आने वाली नहीं। इनके नेता योगी आदित्यनाथ फेकू मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। भाजपा प्रत्याशी की कीर्ति वर्धन सिंह जनता के बीच में न रहकर राजमहल में सोते रहते हैं। वही जनता अब की बार इनकी जमानत जब्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से राम प्रताप सिंह, अतीतानंद तिवारी, विक्की मिश्रा, सोनू शुक्ला, इंद्र पांडे, राजू शुक्ला, पवन तिवारी, मास्टर गायघाट आदि लोग उपस्थित रहे। विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशी माननीय विनोद कुमार पंडित सिंह जनता के बीच में घिरे हुए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनका विकास का मुख्य विजन गोंडा लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या है माननीय मंत्री? गोंडा का जो विकास अभी बहुत बाकी है, सबसे पहला विकास गोंडा के लिए होना जरूरी है मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम लोगों ने बनाने का काम कर दिया, अब मेडिकल कॉलेज सिर्फ बाकी है, वो भी हम ही लोग बनाएंगे। मंत्री जी, आप कैसरगंज छोड़ के गोंडा विधानसभा के लोकसभा क्यों आपने छोड़ के कहा है? हमारे गठबंधन में कैसरगंज सीट चली गई तो हमको गोंडा लड़ना पड़ा। ठीक है, रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में जब बनती है तो हमेशा जो है रोजगार और जो है की व्यवस्था की जाती है। हमने ही बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया था, हमारी सरकार ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया, हमारी ही सरकार ने 108 एम्बुलेंस चलाया, 102 एम्बुलेंस चलाया, 100 नंबर डायल हमारी ही सरकार में चलाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में क्या कर दिया और मोदी जी ने 5 साल में क्या कर दिया, इसको आप पूछिए। मंत्री जी, इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपने स्थापित किया, ये गोंडा की जनता आपको धन्यवाद कर रही है, लेकिन सर वो कब तक स्टार्ट होगा, उसमें क्या सहयोग होगा आपका? देखिए, अब जनता हम लोग, हमारा काम था स्वीकृत करा के बजट दे देना, बजट आ गया, शुरू हो गया, बन रहा है, अब इनको तैयार कराना है। अब ये कितने दिन में उसका उद्घाटन करेंगे ये नहीं पता है, अभी तो जो हमारे काम पूरे थे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि मान लिया गोंडा की जनता आपको सांसद बना देगी और सरकार बीजेपी की बन जाती है, और अगर आपके कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जाता है, सताया जाता है, तो सर क्या करेंगे आप? ऐसा है, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई सता नहीं सकता है, सताने वाला नहीं है, अब कमजोर नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सताया जाएगा, छुआ जाएगा, तो उसका हम लोग जवाब देने जानते हैं। मंत्री जी, विपक्षी किस पार्टी को आप मानते हैं? यहाँ सीधी लड़ाई है, यहाँ कोई जो है दल और नहीं है,
गठबंधन और बीजेपी में लड़ाई है, लेकिन बीजेपी यहाँ 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार रही है। अब यह है कि जितना जनता नाराज है, जितना नाराज है, अब जनता जैसे हराने का काम कर रही है, तो इतना नाराजगी अगर ज्यादा है तो लगता है जमानत भारतीय जनता पार्टी की जब्त करा जाए। विपक्षी को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? विपक्षी को हम संदेश नहीं देना चाहते, गोंडा की जनता संदेश देना चाहती है कि जो जीते सांसद विधायक बने वो अपने को जनसेवक समझे और जो है जनता की सेवा करे, जनता के दुख सुख सम्मान में जो है और जो है खड़ा रहे और उनके उनके दवा का इंतजाम करे, सड़क का इंतजाम करे। जनता इसलिए नहीं चुनती है कि क्रीम पाउडर लगाकर घर में सो, स्विच ऑफ रखो, और जनता उनका स्विच ऑफ कर देगी जो इस तरह के जनसेवक। सर मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सेवर्टी है कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा में आपको प्रत्याशी बनाएगी? ये तो नेतृत्व का काम है, नेतृत्व निर्णय करेगी कौन किसको प्रत्याशी बनाएगी। सेवा है ये कहानी, तो इससे मत पूछिए, तो नेतृत्व तय करेगा। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर पूछो तो मैं कुछ बता सकता हूँ। जी सर, आज के परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाहते हैं कि सर कि आप कह रहे हैं कि हमने गोंडा से बभनान तक सड़क जो है मुख्य मार्ग जो बना है वो मेरे प्रस्ताव पर बना है। सर प्रथम को ये बता दीजिए कि क्या किया था उसमें आपने, क्या मेहनत किया था? मैंने मेहनत किया था जब देखा कि राजा मक्का मंत्री होते हुए गोंडा का विकास मोबाइल ऊपर कहीं 2014 में जब समाजवादी पार्टी से जुड़ गया तो जब उनके बेटे को भाजपा से टिकट मिल गया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ की अगुवाई करनी चाहिए। माननीय अखिलेश जी से मिलकर हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कुछ अगर आप कहें तो मैं भी प्रस्ताव करूँ, अगर आप स्वीकार कर लें तो बहुत बड़ा भला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 सड़कों का रिन्यूअल और 2 सड़कें बड़ी मनकापुर से लेकर के भवनार से कोणारे गौरा चौकी होते हुए और ले जाके चकोटैया वहाँ छोटे का नाम मिलाने का काम किया और दर्जी कुआ से लेकर के पूरी सड़क को चौड़ी कर करने का काम किया। ये मेरे ही प्रस्ताव पे तो लिखा पड़े मेरे पास। सर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है आपको, क्या सेवर्टी है कि सर अकीत वर्धन ने तो सेवा नहीं किया जनता का, आप करेंगे? सर हम पूरा प्रयास करेंगे और हम एक बार जनता के आशीर्वाद से अगर सांसद बना तो हम एक बार जनता को दिखा देंगे कि सांसद दिल्ली में जाने के लिए नहीं बनता है, लखनऊ में सोने के लिए नहीं बनता है, सांसद जनता के बीच में रहने के लिए बनता है। और यही 5 साल हमारा प्रयास है। ये क्या हमारे गौरा विधानसभा के लिए मुख्य विजन होगा विकास का, क्योंकि सबसे पिछड़ा है गौरा विधानसभा? ये विकास हुआ ही नहीं। आज जिस सड़क से हम लोग बवन जोत ब्लॉक में कई मीटिंग किए हैं वहाँ इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, और अभी केशव मौर्या जी आए थे हेलीकॉप्टर से, और अगर वो अगर जो है जमीन से आते बाई रोड आते तो उनको पता चल जाता कि वो प्रदेश भर में गड्ढा कहाँ मुक्त किए हैं। अब गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ, गड्ढा युक्त तो हो गया, पैसा सब निकाल कर खा गए भाजपा के लोग। सर मीडिया के तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा। दिनांक 28 अप्रैल को लोकसभा धौरहरा क्षेत्र के तहसील मोहम्मदी में प्रियंका गांधी ने जितिन प्रसाद के समर्थन में 2 किलोमीटर हाईवे पर रोड शो किया, जिसमें जन समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भारी जन समूह को संबोधित किया, साथ ही जितिन प्रसाद ने भी भीड़ को संबोधित किया। 72,000 सालाना गरीब किसान महिलाओं के खाते में देने तथा 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा किया तथा मक्कार चोर नेताओं से बचने की अपील की और उन्हें वोट न देने की अपील की। वही कांग्रेस लोकप्रिय प्रत्याशी जितिन प्रसाद अशफाकुल्ला शिराज सिद्दीकी समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 17 रुपए रोज, और अगर परिवार के सदस्य हम 4-5 हो तो हर सदस्य को दिन में कितने मिलेंगे बताओ? 2 रुपए, ये सम्मान है कि अपमान है? दादा
एक किताब में एक अंग्रेजी लेखक ने एक किताब में एक कहानी लिखी थी जो मुझे हमेशा बहुत पसंद आती थी, और आज की जो सरकार है उसको देखकर उस कहानी की याद आती है। एक बड़ा सा तालाब था और तालाब का राजा एक कछुआ था, कछुओं का राजा था। तो एक दिन उसको बहुत अहंकारी था। एक दिन उस कछुए के राजे ने ऊपर आसमान में देखा कि ये चांद ऊपर उग रहा है। जब चांद को देखा तो ये कहा कि ये चांद मेरे से ऊंचा कैसे हो गया। तो उसके किसी ने मंत्री ने कहा आप इस चांद से ऊंचे नहीं हो सकते। तो कछुओं के राजा ने कहा बिल्कुल होऊंगा मैं। एक कछुए को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर दूसरे कछुए को खड़ा कर दिया, फिर तीसरे और चौथे और 100 कछुओं की एक ढेर बना दी और 1000 कछुओं की ढेर बना दी और उसके ऊपर कछुए के राजा चढ़ गए और उनको लगने लगा कि अब मैं चांद से भी बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, नीचे बेचारे कछुए जो बोझ उठा रहे थे इनकी सत्ता की, उनकी कमर दर्द कर रही थी, किसी की यहाँ दर्द हो रहा था, किसी की वहां दर्द हो रहा था। जो सबसे नीचे वाला कछुआ था, जो सबसे नीचे कछुआ था, जिसके ऊपर सारे बोझ लादे हुए थे, जिस तरह किसानों पर आज लादे हुए हैं, जिस तरह गरीबों पर आज लादे हुए हैं, और सबसे ऊपर राजा था, तो जो सबसे नीचे कछुआ था उसने बड़े दिनों के लिए खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वो तो ये बोझ लादे हुए थे। तो उसको बड़ी जोर से डकार आई और उसने इतनी जोर से डकार मारी कि सारे कछुए ऊपर से गिर पड़े और कछुओं का राजा गया तालाब में। तो आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे ये कहानी याद आई जो मैं अपने बच्चों को सुनाती थी, और यही होगा इनके साथ। ये सोचते हैं कि ये चांद से बड़े हो गए हैं, कि इनकी सत्ता इतनी बड़ी हो गई है, ये भूल गए हैं कि सत्ता देने वाले आप हैं, कि इनको बनाने वाले आप हैं, कि नेता को बनाने वाला किसान होता है, नौजवान होता है, गांव का गरीब होता है, और जो नेता ये भूल जाता है वो भी उसी कछुए के राजा की तरह तालाब में डूब जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, मोहम्मदी लखीमपुर खीरी। मुरादाबाद में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशानुसार दिनांक 28 अप्रैल को जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा टीम बनाकर उनके क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटरों एवं जेल से जमानत पर रिहा हुए अपराधियों के निवास स्थानों पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया तथा उनके द्वारा वर्तमान समय में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में भी जानकारी की गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद।